हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सविता जीजी कुकिंग में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के चिप्स, जो बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हो। और ये देखिए, ये फ्राई करने के बाद ये ऐसे बनते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। तो आप सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिए, एक एक टिप्स को फॉलो कीजिए, तो ही आपके चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे, वाइट बनेंगे। और स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बीच में आपको बताती हूँ, जिससे आपके चिप्स बनने में हेल्प मिलेगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आलू के चिप्स के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो आलू। अब इसको हम छील लेते हैं। मैंने साथ में ले लिया है पानी। हम आलू को छिलेंगे और साथ साथ में हम इसको पानी में डुबोएंगे, क्योंकि अगर इसको हमने बाहर रहने दिया तो ये काले पड़ जाते हैं, लाल हो जाते हैं और फिर चिप्स वाइट नहीं होते। तो इसको हम छिलते रहेंगे और हम इसको पानी में डालते रहेंगे। आलू मैंने नए लिए हैं, पतले छिलके वाले, इससे आलू चिप्स बहुत ही अच्छे बनते हैं और वाइट बनते हैं। तो सारे आलूओं को हमने छील लिया है। अब इसको अच्छे से धो लेंगे और इसका पानी चेंज कर लेते हैं। अब ये आलू हमारे पानी में ही डिप रहने देंगे हम। और एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है और इस टाइप का हमने एक आलू कटर ले लिया है, जिससे हम चिप्स बनाएंगे। इसको थोड़ा घुमा लेंगे बीच बीच में, फिर एक साइड ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार। मोटे पतले आप अपने हिसाब से बना लीजिए। इसको हमने सीधा पानी में डालना है। अगर आपने इसको पानी में नहीं डाला तो ये काले हो जाएंगे। परफेक्ट आलू के चिप्स निकालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप चिप्स बना रहे हैं तो उसको एक बार इस साइड से घुमाइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे, फिर इसको ऐसे टर्न करके इस साइड कीजिए ऐसे, फिर बिल्कुल बराबर चिप्स बनते हैं। कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होगा आपका। अब इसको पानी में हम दूसरे पानी में डिप करेंगे, 2-3 बार इसको वॉश करेंगे पानी से। अब इसको हम फ्रेश पानी में डाल देते हैं ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। एक बार और वॉश कर लेंगे इसको और इस पानी में डाल देंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे तक हम इस पानी में छोड़ देंगे इसे। इसके बाद इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो नीचे बैठ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो हमारे चिप्स जो हैं वो परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। आलू को डुबोए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम पानी बॉईल करेंगे। पानी गर्म करने रख दिया है। पानी का तेज गर्म होना बहुत ज़रूरी है। कच्चे पानी में हमने नहीं डालना, इसको एक बॉईल आके आने देंगे। और इसमें बबल्स नीचे से आने लग गए तो ये गर्म हो रहा है। इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं आप। सेंधा नमक डालेंगे तो आप इसको व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू पानी में डिप होने चाहिए। ढक्कन लगा लेते हैं इस पे।
इसे बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, एक बॉयल आने देंगे इसको। ढक लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको, इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है। अगर हमारे चिप्स ऐसे मुड़ जाएं तो ये हमारे चिप्स रेडी हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको छाननी में निकाल लेंगे हम। ये हमने निकाल लिए हैं, इसको ऐसे इसका पानी सारा निचोड़ने देंगे। तब तक हम और डाल देते हैं इसी पानी में। सारे डाल दिए मैंने, अब इसको भी अच्छे से बॉईल आने देंगे। ढक्कन लगा देते हैं इस पर। मैंने एक चादर धूप में बिछा ली है। अब इस पर ये चिप्स जो हमने बनाए हैं और इनका पानी ड्रेन हो गया है, अब इस पर बिछा देते हैं। अच्छे से फैला लेंगे इसको। तो थोड़े से मैं इस कपड़े में फैला देती हूँ और आप चिप्स तभी बनाएं जब आप तेज़ धूप हो बाहर, ताकि चिप्स अच्छे से सूख पाए। चिप्स को सूखने में 2 दिन लगेंगे। बहुत आसान है चिप्स बनाना, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे चिप्स हमने फैला दिए हैं। अब शाम तक इसको धूप में ही रहने देंगे। चिप्स को रखे हुए 1 दिन हो गया है, अब इसको हम किसी प्लेट थाली या परात में शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे आसानी होगी इनको सुखाने में। और इसको धूप में डाल देंगे आराम से हम। हमारे चिप्स सूख गए हैं, इनको सूखने में 2 दिन लगे हैं। ये कितने अच्छे से सूख गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, इसमें फ्राई करते हैं हम चिप्स को। तो जो ऑयल है हमारा तेज़ गरम होना चाहिए। अब मैं डाल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। बस ऐसे करके आपको एक बार में निकालना है, ज़्यादा देर तक इसे रहने नहीं देना है। और ये हमारे चिप्स रेडी हैं। तो ये रेडी है हमारे चिप्स। चिप्स हमारे देखिए कितने अच्छे से बनके सूख के रेडी हो गए हैं। और इसको हमने फ्राई भी कर लिया है, और ये कितने क्रिस्पी हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और बिल्कुल हमारे वाइट चिप्स बने। तो आप भी सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए और घर पे ही चिप्स बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।